जैसे आपको पता है सिस्को ने फेब्रुअरी 24 फेब्रुअरी को जो सारे ट्रैक थे ना वो चेंज किए थे ना, इसी में सीसीएनपी सिक्योरिटी भी था। तो सीसीएनपी सिक्योरिटी के जो जो ट्रैक था उसको चेंज करके शुरू में ये 4 सर्टिफिकेट करने पड़ते थे, तब जाके आप सीसीएनपी सर्टिफाइड होते थे, सीसीएनपी सिक्योरिटी सर्टिफाइड। और उसके लिए प्री रिक्विजिट भी था उस टाइम पुराने ट्रैक में बिफोर फेब्रुअरी के, सीसीएनए सिक्योरिटी मस्ट था। लेकिन अब जो नया ट्रैक है आफ्टर फेब्रुअरी, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 सर्टिफिकेट करके आप सीसीएनपी सर्टिफाइड हो सकते हो, और एक्स्ट्रा आप जितने चाहे आप कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन अगर किसी चीज में करना चाहते हो। जिस तरह हर डॉक्टर एमबीबीएस करके को 4 ईयर जो डिग्री होती है ना उसके बाद वो चाहे जिस फील्ड में जाना चाहे वो जा सकते हैं, तो कोई किसी चीज में जाना जा सकते हैं, तो इसी तरह यह भी वही है। ठीक है, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, कोई सीसीएनए कुछ भी रिक्वायर नहीं होता, आप डायरेक्ट इनको एग्जाम राइट कर सकते हो। जो इसका पहला पेपर है उसको ये कोर एग्जाम कहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हर ट्रैक में है, चाहे वो सीसीएनपी एंटरप्राइज हो चाहे कोई और हो, यह भी कोर एग्जाम है जिसको हम स्कोर कहते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्को सिक्योरिटी कोर टेक्नोलॉजी, तो इस वजह से इसका नाम स्कोर रखा है। और ये एक किस्म का कोर पेपर है सीसीएनपी सिक्योरिटी का, और ये मस्ट है, कंपलसरी है। अगर आप ये कर लेते हो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन सीसीएनपी सर्टिफाइड सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक आप एक और एग्जाम नहीं कर लेते, जिसको कंसंट्रेशन एग्जाम्स कहते हैं। इनमें से आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, ये है इनमें से, सिर्फ एक आपको करना है। अगर आप 2 करना चाहते हो तब भी कोई इशू नहीं है। इसमें सिस्को आइस है, ज्यादातर लोग इसी में जाते हैं, या फायर पावर जो है ये बेस्ट है, ये 2 जो है लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, और मार्केट भी इन दोनों का है। इसके अलावा ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस है, वेब सिक्योरिटी अप्लायंस है, वीपीएन है, ठीक है, और ऑटोमेशन है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो आप कोई भी कर सकते हो, एक से ज्यादा भी कर सकते हो अगर आप चाहे, तो आप उसका अलग से सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अब आते हैं जो इसका कोर एग्जाम होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। एग्जाम आप घर से दे सकते हो, सिर्फ वेबकैम चाहिए और माइक चाहिए, ठीक है, वो ऑल द टाइम आपको मॉनिटर करेंगे जब तक एग्जाम फिनिश नहीं करते। कुछ पिक्चर्स वगैरह आगे पीछे और लेफ्ट राइट की पिक्चर आपको सेंड करने पड़ते हैं। एग्जाम आप पियर्सन व्यू से बुक कर सकते हो। फीस इसका जो है $400 है, जो कोर पेपर है, और इसमें 100 MCQs होते हैं। कोई लैब नहीं है, फिलहाल लैब नहीं है, ना कोई लैब है इसमें, ना कोई सिम है, ना कुछ और इस तरह के है। 1-2-3 ड्रैग एंड ड्रॉप आपको आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस या सिंगल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं। कोर पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। 1/30 मिनट आपको अलाउड होते हैं, लेकिन अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन 100 क्वेश्चन बहुत ही ईजी, आप इजीली कर सकते हो, विद इन 30 मिनट भी कर सकते हो, क्योंकि आप क्या है बस उसको प्रिपेयर करने हैं और जाके देना है, ठीक है। तो 100 MCQs इसमें होते हैं, और प्राइस इसका $400 है। एग्जाम आप कहीं से भी दे सकते हो, घर से, ऑफिस से, या सेंटर में जाके आप सेंटर से भी दे सकते हो, और ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। अगर आप ये पेपर कर लेते हो ये वाला, तो मीन्स आप डायरेक्ट CCI सिक्योरिटी के लिए भी जा सकते हो। इट मीन्स जो ये कोर पेपर है ये CCI सिक्योरिटी के लिए भी एज अ रिटन है, ठीक है। जो पुराने ट्रैक थे उसमें CCI सिक्योरिटी के लिए एक अलग सा रिटन पेपर होता था, तो अब यहाँ पे मर्ज करके तो आप CCNP भी हो जाते हो, और साथ ही रिटर्न भी हो के आप जा सकते हो CCI लैब के लिए डायरेक्ट। और आपको पता है CCI भी अब चेंज है, उसमें कोई टी शूट नहीं है, कोई डायग्नोस्टिक नहीं है, लैब सब होते हैं। 6 आवर का एग्जाम होगा आपका, दुबई वगैरह या इन जगहों पर जाके आप दे सकते हो। इस दफा उन्होंने सिस्को ने क्या किया, आपको इनिशियल से लेके एंड तक डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना होगा,
सपोज अगर मैं आपको स्विच दूं तो ये कॉन्फ़िगर कर दो, बिल्कुल बॉक्स ही निकाल के दूं कि इस स्टार्टअप से लेके एंड तक इसको कॉन्फ़िगर कर दो, ये उनके लिए है, इस दफा इस तरह होंगे। तो अगर आप ये कर लेते हो तो आप डायरेक्ट सीसीआई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो लैब के लिए। और ये इनके कंसंट्रेशन एग्जाम है, आप कोई भी चूज करके कर सकते हो। अब आते हैं जो ये स्कोर है, हम तो यही स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है। ये है इसका एग्जाम कोड 300701 है, सिस्को के हर जो पेपर होते हैं उसके कोड होते हैं, उसके थ्रू आप इनको बुक करते हो। नाम भी लिखा होता है लेकिन कोड भी होते हैं। यहाँ पे इनकी सारी डिटेल मेंशन भी है, 120 मिनट जो मैं कह रहा था, लेकिन प्लस 30 मिनट भी होते हैं एक्स्ट्रा। और इस पेपर में ये कॉन्टिनेंटल का जो होता है ना, क्या होता है सैलेड, ये वही है ये पेपर। इसमें आपको हर चीज मिलेगा, जो कॉन्टिनेंटल होटल्स नहीं है जो हर जगह होते हैं, या जो फाइव स्टार होटल्स होते हैं उसके अगर आपको वो सैलेड मिल जाए ना, हम सलाद कहते हैं उसको, तो उसमें आपको हर चीज़ ज़बरदस्त सी चीज़ मिल जाएगी। इसी तरह जो ये स्कोर पेपर है इसमें सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, जिसमें वायरसेस, ट्रोजन, डॉस, डीडॉस, रूट किट, मैन इन द मिडल अटैक, एपीआई, बहुत सारी चीज़ों की कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, एसक्यूएल इंजेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह नेट पेड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी है, हैशिंग से रिलेटेड भी है, IPsec से रिलेटेड भी है, ठीक है, VPN से रिलेटेड चीज़ें भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, SD-WAN से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ आपको मिलेंगे, फिर प्योर नेटवर्क सिक्योरिटी की चीज़ें भी यहाँ है, जिस तरह फायरवॉल डिप्लॉयमेंट, फायर पावर डिप्लॉयमेंट, ठीक है, लेयर टू अटैक कौन कौन से होते हैं, मैक स्पूफिंग, आर स्पूफिंग, VLAN, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो लेयर टू से लेके लेयर थ्री के डिवाइसेस, फिर उनके डिप्लॉयमेंट, फिर मोनिटरिंग, और फिर इसको ट्रबल शूट करना, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ACLs हो गए, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। फिर IS से रिलेटेड, अगर आप यहाँ पे जाके ना, ये चार जो पेपर है यहाँ जो ये नज़र आ रहे हैं आपको, हर एक से कुछ कुछ लेके ये बनाया गया है, ये वाला सिस्को IC भी है, फायर पावर भी है ना यहाँ स्पेशलाइजेशन, ये वाला IPS भी है ना, तो IPS की भी डिटेल यहाँ आपको मिलेंगे, VPN भी है ना, एक स्पेशलाइज VPN भी होता है, तो VPN से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें ये मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बेसिकली जो ये स्कोर या जो कोर एग्ज़ाम है इसमें ये सारी चीज़ें प्लस एक्स्ट्रा और चीज़ें भी इंक्लूडेड है जो बेसिक है। जो ऑटोमेशन है तो ऑटोमेशन से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ है, ये ऑटोमेशन से रिलेटेड है यहाँ से लेके, VPN से रिलेटेड कुछ यहाँ पे है, कुछ नीचे यहाँ भी है, तो बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। क्लाउड से रिलेटेड चीज़ें भी है, आप ये भी देख सकते हो, एंड सो ऑन। अब ये WSA और ESA है, ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस एंड वेब सिक्योरिटी अप्लायंस जो इनके होते हैं। ईमेल प्रोटेक्शन के लिए इनके अलग डिवाइसेस होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में आपको अलग डिवाइसेस मिलेंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे जब यहाँ पे पहुँच जाएँ। इसी तरह वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड डिवाइसेस की डिटेल भी है, एंड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन की डिटेल भी है, ठीक है, एंड सो ऑन, सो मेनी थिंग जो है इस पेपर में इंक्लूडेड है, यहाँ तक है 6.7 तक इतने सेक्शन इनके बनाए हैं, ठीक है। तो ये है स्कोर पेपर या कोर जो पेपर है CCNP सिक्योरिटी का, इसका एग्ज़ाम कोड 300701 है, और एग्ज़ाम प्राइस इसका 400 है, जिसमें आपको 100 MCQs आएंगे और अपने वो क्लिक करके पास होना है, ठीक है, 1000 इसके मार्क्स होते हैं, आपको कुछ लेके पास कर सकते हो। अच्छा, जो ये कंसंट्रेशन एग्ज़ाम है, अब इसमें से कोई भी चूज करके एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 50-60 क्वेश्चन आएंगे, इसकी तरह नहीं है कि 100 क्वेश्चंस होंगे यह। और इसका एग्ज़ाम प्राइस आई बिलीव थोड़ा सा कम है इस कम्पेयर टू कोर के, इसका प्राइस 350, हाँ, तो थोड़ा सा कम है क्योंकि इसका 400 है और इसका एग्ज़ाम प्राइस भी कम है, और क्या है, आसान भी है इस कंपेयर टू इसकी, क्योंकि 50-60 अगेन यहाँ भी कोई लैब नहीं है, ठीक है। इस क्लास में मोस्टली स्टूडेंट ने ऑलरेडी ये पास भी किया है, CCNP सर्टिफाइड है, ठीक है, ये था बेसिक।